ना वो बॉन्ड भूल पाएंगे हम कभी, क्योंकि 1.5-2 साल साथ रहना एज अ टीम में, एक जोनाथन और एक मॉर्टल, कि आप मॉर्टल से एक्सपेक्ट कर सकते हो और आप उसको वो गॉड वाला येलो हार्ट स्पैम कर दो बे। रूमर्स तो आ ही रहे कि मिलेंगे इंडिया को स्लॉट। ले लियो जो आपको लिंक कर रहा जीवन से कि आप सेम लेवल में खेले स्टेट क्लियर टॉपिक प्लीज। जो लियो जो बोल रहा था स्टेट वाला डिमन वाला वो मैं बता रहा आपको ठीक है। उस टाइम पे जब मैं हाइड्रा में था हम लोग बाहर हो गए थे पीएमसी से ठीक है, तो हमें पता नहीं था कौन कौन टीम क्वालीफाई होने वाली है ना। तो उस टाइम पे बाद में जब आया कि कौन कौन टीम क्वालीफाई हुई, उस टाइम पे मैंने पूछा रॉबिन से कि तुम्हें अगर प्लेयर चाहिए तो तुम बताओ, मैं ट्राई आउट दूंगा और अच्छा लगा तो ले लेना ठीक है। तो वो हुआ और रॉबिन ने फिर मेरे को लिया ट्राई आउट्स के लिए बुलाया, मैं ट्राई आउट्स दिया फिर सही गए ट्राई आउट्स तो मैं उसके टीम में आ गया ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ रॉबिन ने फिर बुलाया ट्राई आउट दिए फिर ले लिया टीम में। फिर उसके बाद जब पी एम सी ओ स्टार्ट हुआ, पी एम सी ओ में क्या हुआ सीन कि खेला ठीक है क्वालीफायर्स में ठीक ठाक मैसेज गए इतने अच्छे नहीं गए। फिर सेमीज में क्या हुआ, मेरे को ऐसा था कि मैं अच्छा नहीं खेल रहा था तो सेमीज में मैंने बोला मेरे को थोड़ा चांस दे दो, अगर अच्छा खेला तो रख लेना तो मेरे को बिठा दो, मतलब ऐसा सीन चल रहा था बिठाने का। तो मैंने ऐसा बोला टीम से और खेला, तो उसमें मैंने एक मैच में नॉकआउट कर दिया चाहे स्टार्टिंग में, तो फिर बोले अच्छा खेलता है वैसे ही खेलते रहे। तो सेमीज में मैं मतलब अच्छा चल रहा था ठीक है, मैं सेकंड टॉप ब्रेकर पे था फ्री फर्स्ट पे था ऐसा कुछ था। उस टाइम में डीमन खेल रहा था और डीमन को आईफोन भेजा था एसटी वालों ने, तो आईफोन में अच्छा नहीं खेल पा रहा था। तो डीमन शायद से एक कितने मैचेस खेले थे सेमीज के मेरे को नहीं पता कितने मैचेस खेले थे, बट उस टाइम पे डीमन ऐसा बोल रहा था कि मैं अच्छा नहीं खेल पा रहा हूँ मेरा हाथ सेट नहीं हो रहा है ऐसा बोल रहा था ठीक है। तो उस टाइम मैं टीम को इतना कुछ बोलता नहीं था इसको बैठा दे या वो नया था, क्योंकि मैं उस टाइम पर फिर रॉबिन ने बोला तो अच्छा नहीं खेल रहा था तो चल तेरे को बैठा देते दूसरे प्लेयर को खिलाते। जो भी ओनर था एसटी का उसका ओनर का एक भाई था जो ऐसे ही रजिस्टर करवाया था, और जो हम लोग का फिफ्थ प्लेयर था वो भी अच्छा नहीं खेल रहा था, तो हमने बोला कि उसको ट्राई करके देखते हैं और वो अच्छा खेलता था वैसे, तो उसको खिलाया स्टोनी करके उसका नाम था, तो उसको खिलाया वो बंदा खेला तो वो अच्छा खेल रहा था सपोर्ट अच्छा कर रहा था, तो हमने सोचा उसको ही खिलाएंगे। तो उसको खिलाया पूरा फाइनल्स खिलाया उस बंदे को ठीक है। तो फाइनल्स में हमने पूरा पूरा टूर्नामेंट खेला उसके साथ और अच्छा गया फाइनल्स, हम थर्ड आ गए। फाइनल्स के बाद गेम बैन हो गया, पीएमपीएल में था कि पूरा टीम चेंज हो गया था हमारा, माइटी है ना वेट वेट पे उसको लेने वाले थे हम लोग और एक प्लेयर था याद नहीं मेरे को कौन था। तो ये सब हो गया फिर गेम बैन हो गया, तो गेम बैन होने के बाद सबने गेम छोड़ दिया मैंने भी छोड़ दिया। फिर बाद में जब गेम आया ना मैं वापस खेलने लग गया, फिर बहुत मंथ्स हो गए, तब मैंने पूछा था कि भाई प्राइस पूल क्यों नहीं आ रहा है ना, तो बोल रहे कि मतलब मेरे को उस टाइम में मैसेज छुपाया गया था कि प्राइस पूल डेमन वो कर रहा था कि जब उसने सेमीज में खेला था ना मैचेस तो उसने हैक लगाया था और उस टाइम पे उसने पीओवी भी अपलोड करी थी, तो मेरे को एज अ टीममेट मेरे को कभी ऐसा डाउट ही नहीं हुआ कि डेमन हैक कर रहा है ठीक है। उसके साथ जितने मैचेस खेले उसने हर मैच का मॉन्टाज डाला है, तो मेरे को कैसे ही डाउट होगा ना, और मैं कैसे ही डाउट करूँगा आके सीधा टीममेट को थोड़ी बोल दूँगा कि मैं तो हैक करें। तो उसके बाद मेरे को बोला कि ऐसा डेमन ऐसा ऐसा था, डेमन ने प्राइस पूल मांगा अगर नहीं दिया तो वो बोल रहा है कि वो कर देगा ये कि वीडियो अपलोड कर देगा। तो उस टाइम पे मैंने बहुत झगड़ा कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं था मैं अपना प्राइस पूल क्यों दूंगा है ना ये, और ब्लेज को भी नहीं पता था, तो शायद उस टाइम पे रॉबिन को पता था और रॉबिन ऐसा चाहता नहीं था कि हमारा कुछ खराब हो उसकी वजह से समझ रहे। तो रॉबिन ने बोला कि छोड़ मैं खुद के ऊपर ब्लेम ले लेता हूँ, तभी वो टीएसएम नहीं गया था और वो सब तो आपको पता ही है सब सीन बहुत लंबा है। तो सीन यही था, पता ही नहीं था उसके बारे में किसी को, और जब पता चला ओनर को उसने बात दबाई और उसकी वजह से रॉबिन को भी फंसना पड़ा जो एस टी का ओनर था, उसको लगा कि कुछ अलग ही हो जाएगा ये वो है ना, उससे अच्छा सीधा बोल देता वो जाके सबको कि भाई इसने हैक किया था, पता नहीं उसने ये क्यों किया। इग्नोर ब्रो, इग्नोर क्या इग्नोर, अबे जो सच है वो है भाई है ना, अब कोई कुछ आके बोलेगा थोड़ी, मैं तो बोलूँगा ना अपना पीओवी क्या था उस टाइम पे, भाई गलत का कभी साथ नहीं दिए ना ही कभी दूंगा, और अगर उस टाइम पे मेरे को पता होता मैं पीएमसीओ भी नहीं खेलता, भले मेरे को प्लेयर बनने का मौका मिलता नहीं मिलता सब सब छोड़ के टीम भी छोड़ देता और अपना खुद का टीम बनाई खेल लेता। फ्रैग था उस टाइम पे, फ्रैग ओपी हाइड्रा का, फिर रैपजॉर्ड था ब्लास्टी और हम तीन ही थे और हमारा मतलब अच्छा खेल रहे थे हम लोग, तो मैं उस टीम के साथ खेल लेता, इनवाइट तो हमें मिल ही रहे थे। सफाई नहीं दे रहा ब्रो, जो पीओवी था वो मैं बता रहा हूँ समझ रहा हूँ, एक दिन होगा कोई ना कोई दिन ऐसा होगा जब आप like, वो, स्माइल वो, करते वो तो खत्म हो गया, वो बॉन्ड नहीं आ पाएगा वापस, ऐसा नॉर्मली आए हेलो या दिखावे के लिए या रूटीन के लिए वो हो सकती है, बट जो बॉन्ड था वो कभी नहीं आ पाएगा आई थिंक ना, वो बॉन्ड भूल पाएंगे हम कभी, क्योंकि 1.5-2 साल साथ रहना एज अ टीम, बहुत बकचोदी है, बहुत चीजें किए, बहुत कुछ हुआ है, तो हाँ काफी अच्छा था लाइक एक्सपीरियंस। समथिंग हैड हैपेंड बिटवीन यू एंड वन मोर कास्टर राइट, मैंने देखा मुझे दिखाया गया, व्हाट इज दैट स्टोरी एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट आई डिडंट मेंशन द नेम बिकॉज़ आई एम नॉट श्योर हाउ कंफर्टेबल यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, बट क्या हुआ था वहां पे, व्हाट्स द एग्जैक्ट सीन दैट हैपेंड? सो आप कह सकते हो कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऐसा कुछ आप समझ सकते हो उसको, मतलब तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मेरे को पूरे कम्युनिटी में 1000 लोग मिले हैं, तो 999 लोगों से मेरा बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड देन इट डजंट मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, बट कोई एक दो लोग तो होंगे ना जिनसे आपका वो बॉन्ड नहीं बन सकता, इसमें ऐसा नहीं है कि उनकी कुछ गलती है या फिर इसमें ऐसा नहीं है कि मेरी कुछ गलती है, मेरे को ऐसा लगता है कि चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, बीट फादर सन रिलेशनशिप, दोस्ती का रिलेशनशिप, भाई बहन का रिलेशनशिप, देर आर ऑलवेज सम नेगोशिएबल्स एंड देर आर ऑलवेज सम नॉन नेगोशिएबल्स,
तो आप ऐसा कह सकते हो कि मेरे जो नेगोशिएबल्स और नॉन नेगोशिएबल्स है और सामने वाले इंसान के जो नॉन नेगोशिएबल्स और नेगोशिएबल्स है वो मैच नहीं करते एंड इट्स फाइन बट देन ये पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं बट व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशनल वर्ल्ड वहां पे सब सॉर्टेड है लाइक व्हेन वी आर ऑन द डेस्क वी पुल ईच अदर्स लेग हम जैसे कास्टिंग करते हैं वैसे कास्टिंग करते हैं बट देन पर्सनल वर्ल्ड इनिशियली वाज वेरी गुड अभी भी इट्स नॉट लाइक कि कुछ ऐसा है बट देन इट्स जस्ट दैट कि भाई आप अपने स्पेस में रहो आई एम रिस्पेक्टिंग योर स्पेस मैं अपने स्पेस में रह रहा हूं एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू विल रिस्पेक्ट माय स्पेस सो ब्रो इंटरनेशनल का कोई सीन है पता नहीं यार कुछ अभी तक ऐसा इन्फॉर्म तो नहीं किया गया आई होप कुछ हो वो तो आ ही रही है बहुत ज़्यादा कि मतलब र्यूमर्स तो आ ही रहे कि मिलेंगे इंडिया को स्लॉट आई होप मिले है ना मज़ा आ जाएगा आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू यू मेड अस फील प्राउड कैन पबजी रिटर्न इंडिया व्हाट डू यू थिंक आई डोंट थिंक सो द मिथ मैन बिहाइंड ऑल द सक्सेस ऑफ टीएक्स ऑस्ट्रेलियन बाय ओपी लेट्स गो इंटरनेशनल ट्रॉफी लोडिंग ऑल द बेस्ट गाइस थैंक यू भाई थैंक यू अरे भाई इंटरनेशनल खेलना है यार उसमें मैं ना अभी थोड़ा फॉर्म में भी अच्छा खेल पाएंगे अभी तो अच्छा भी खेल रहे हैं पर क्या बता भाई वो तो ऊपर वाले पे है भाई खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे तुम लोग प्रे करो यार खेलने मिले मुंबई के लिए आई हैव वन क्वेश्चन फॉर टीएक्स व्हाई डू यू हेट गॉर्डन कौन हेट करता है भाई अगर वो लोग हमें खराब ट्रीटमेंट देते हैं तो उसका पता है आपको कि भाई न्यूटन्स लॉ है ना एवरी रिएक्शन इज ऑपोजिट टू इक्वल रिएक्शन सा सेम बात है ना तुम लोग मतलब हेट दोगे तो इन लोग भी हेट देंगे तो क्या ही बोले उसमें गॉर्डन फैंस भी बहुत ज्यादा हेट देते हैं हमारे फैन भी बहुत ज्यादा हेट देते हैं गलती दोनों की है आप लोग के गेम देख के एक चीज तो समझ में आ गया है कि अगर किसी को टूर्नामेंट जीतना है तो फियरलेस अप्रोच होना जरूरी है लव फ्रॉम गॉर्डन ब्रो यू आर प्लेड जस्ट इनक्रेडिबल थैंक यू सो मच सूरज भाई फॉर द 200 सूरज भाई के लिए येलो हार्ट स्पैम कर दो बे आपने सब कुछ ऑलमोस्ट अचीव कर लिया और उसके बाद भी आप उतने ही डेडिकेशन के साथ और उतने ही शिद्दत के साथ आप काम करने के लिए रेडी हो आप ग्राइंड करने के लिए रेडी हो एंड दैट इज वन थिंग विच इज वेरी रेयर क्योंकि अभी के सीन में मैंने देखा है कि बहुत सारे नए प्लेयर्स आते हैं वो एक टूर्नामेंट में अच्छा खेलते हैं सैलरी की डिमांड करते हैं लाखों में एंड देन मतलब मैं लेजिट बता रहा हूं आई नो ठीक है वो सैलरी की डिमांड करते हैं लाखों में वो पैसे उनको मिलते हैं दो तीन महीने रेलेवेंट रहते हैं एंड देन गायब हो जाते हैं एंड देन फिर हम कम बैक का वेट करते हैं ठीक है भाई कभी किसी टूर्नामेंट में चल दिए कभी किसी मैच में चल दिए एंड फिर हम वो स्टोरी लाइन बताते हैं कि हाँ ये वो प्लेयर है मे बी यहाँ से वो कम बैक करेगा बट विद जोनाथन इट्स लाइक समथिंग विच इज इन ह्यूमन काइंड ऑफ अ थिंग राइट इसलिए और ये अभी से नहीं बहुत पहले से ही है मतलब दो लोगों को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कम्युनिटी में एक जोनाथन और एक मॉडल मॉडल फॉर बींग लाइक द गॉडली वाला थिंग मतलब मैंने बहुत पहले एक बार स्ट्रीम की थी मैंने बोला था कि यूजली आई डोंट गॉडलीफाई पीपल क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आप लोगों से वो गॉड वाला बिहेवियर एक्सपेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं तो वो गलत होंगे क्योंकि वो इंसान है और फिर आपको बीटी मिलेगी बट मैंने बोलता कि आप मॉडल से एक्सपेक्ट कर सकते हो और आप उसको वो गॉड वाला टीयर दे सकते हो कि नहीं भाई ये बंदा एक है जो गॉड टीयर पे एंड देन मेरे को जोनाथन लगता है कि भाई व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन व्हेन इट कम्स टू दैट कंपेटिटिव स्पिरिट